फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलराउंडर चैनल। मैं आपकी फ्रेंड लक्ष्मी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, कमेंट भी करें। और अगर आप चाहते हैं कि नया नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले, तो प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकॉन छोटा सा रेड कलर की घंटी का निशान है, उसे ज़रूर करें। आज आप देख रहे हैं कि ये मैं आपको स्प्राउट्स मैंने बनाए हैं। इसको कुछ अलग तरीके से पौष्टिक भी और बड़ा टेस्टी भी बनाते हैं। तो ये स्प्राउट्स ले लीजिए। आप चाहें तो इसमें हरा मूंग भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ज़रा से जो सोयाबीन चंक्स होते हैं, सोयाबीन की बरी, उसको पानी में डाला। मैंने अब भी डाला है, बस 2 मिनट हुआ और देखिए होना चालू हो गया। जब तक हम अपना प्रोसीजर करेंगे तब तक ये होता जाएगा। अब चलिए, ये कुछ बादाम्स हैं। बादाम माने कि बंगला में बादाम कहते हैं। मूंगफली, ग्राउंडनट। और आपके पास घर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कैप्सिकम प्याज में है, उसी से ही करेंगे। हरी मिर्च आप डाल सकते हैं इसमें, हरा प्याज डाल सकते हैं। मैं सिर्फ इन 2 चीज़ों से बना फिलहाल मेरे पास, क्योंकि कुछ नहीं है और कुछ नहीं से भी हम कितना अच्छा बना सकते हैं ये बता रही हूँ। और यहाँ पर देखिए, मैंने ये गैस पे रख दिया है। तेल आप अपनी मर्ज़ी से लीजिए। अगर आपको सरसों तेल पसंद नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल कोई से भी ले लीजिए। और मैंने तो सरसों तेल डाला और वो भी बिल्कुल ज़रा सा, ज़्यादा नहीं। अब हम इसमें डालते हैं जीरा डालेंगे। तो ये देखिए, ये है और ये मैंने जीरा डाल दिया। तो ये जीरा हो गया है। अब हम इसमें अपना कैप्सिकम और प्याज डाल देते हैं। शिमला मिर्च और प्याज को हमें थोड़ा सा भूनना है। भूनने के लिए मैं आपको हमेशा बताती हूँ, अगर बहुत अच्छे से आप भूनना चाहते हैं तो इसको ऐसा कर दें। इसे बीच बीच में ऐसा चलाते हैं। अब ये भून गया है तो हम इसे वापस ऐसा करके अब हम इसमें डालेंगे हल्दी मिर्ची। थोड़ी सी हल्दी, पिसी मिर्च, आप चाहें तो पिसा हुआ धनिया बिल्कुल डाल सकते हैं। ये क्या है, एक चुटकी सेहत का खजाना, कसूरी मेथी। अब ये 2 चीज़ें मैं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास अवेलेबल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल ना डालें। ये है करी लीव्स, जिसे मैंने छाए में सुखा के पाउडर बनाया था। और ये है धनिया, इसको भी जब सस्ती मिलती है ना मार्केट में तो आप बहुत सारी ले लीजिए और फिर उसको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप उसको ऐसे पीस के रख लेंगे। मैंने इसकी वीडियोस डाली हुई हैं। और ये करी लीफ पाउडर भी डाल दिया। और उसके बाद ये पिज़्ज़ा जस्ट आता है ना क्रश, वो थोड़ा सा डाल दीजिए। हो तो, नहीं हो तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है डालने की। मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल है तो मैंने सोचा थोड़ा सा डाल देते। अब हम इसे चला लेते हैं। चलाने के बाद गैस आपको एकदम धीमा रखना है, मैंने भी धीमा कर दिया है। थोड़ी सी सेहत वाली चीज़ें और मिला लेते हैं। ये है मूंगफली और अब हम इसमें डालेंगे अपने स्प्राउट्स। अब एक बार फिर चला लेते हैं इसको। सोयाबीन देखिए फूल गई ना, जब तक वो पका तब तक ये देखिए फूल गई। इसको आप इतना, अगर बड़े अच्छे नहीं लगते आपको, हाथ से ऐसा तोड़ लीजिए। ये 2-2 पीस में हो जाएंगे और इनको फिर ऐसा दबा देना है। दबा के आप इसमें डाल दीजिए। अब हम इसमें एक एक करके अपने सॉसेस मिलाएंगे। ये देखिए, ये चिली सॉस 1 चम्मच, ये विनीगर 1 चम्मच, सोया सॉस 1/2 चम्मच। सोया सॉस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है पर डालना पड़ता है, अच्छा लगता है उससे। और ये हो गया सॉस, ये आप थोड़ा सा अपनी मर्जी से डालिए, 1 चम्मच 2 चम्मच, बच्चों को पसंद आता है इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। अभी सेहत का खजाना डाला था हमने मूंगफली, अब डाल देते हैं स्वाद का खजाना जो है नमक। इसके बिना तो जीना मुश्किल है। नमक डाल दिया, नमक बहुत ज़्यादा मत डालिएगा,
क्योंकि आप ऑलरेडी इसमें सॉसेज डाल रहे हैं तो सॉसेज में थोड़ा नमक होता है, आप चाहे तो इसमें हल्का सा काला नमक डाल सकती हैं। अब हम इसे थोड़ा सा इसको भूनने देते हैं। सब कुछ मिक्स करने के बाद अब देखिए फिर ऐसे ही फैला के अब हमें थोड़ा सा इसको भूनना है। चलाने के बाद फिर इसको पलटा के वैसे ही लगा दीजिए। अगर आपको क्रिस्पी पसंद नहीं है तो आप ऐसे ही खा सकती हैं, और अगर आप थोड़ा क्रिस्पी चाहती हैं तो आपको उसको थोड़ा सा ऐसा तेज आंच पे, देखिए फ्लेम जो है थोड़ा सा मेरा तेज है, और उस पर मैं ये ऐसे किनारे कर करके उसको भून रही हूँ। जब तक ये भुनेगा यहाँ पे आप काली मिर्च को है 5-6 दाने कूट लीजिए, मैंने 10 लिए हैं, आप कम भी ले सकते हैं, आपको पसंद है तो काली मिर्च ज़रूर खाएँ, रोज खाएँ, हर चीज़ में डाल दीजिए, वेट लॉस करती है और आपके लिए बहुत 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 फ़ायदेमंद है। मैं तो ऐसी हर चीज़ में डाल देती हूँ, इसका स्वाद का आपको पता भी नहीं चलेगा, ये स्वाद बढ़ा देता है खाने का। अब ये पूरी तरीके से ड्राई हो गया है, भुन गया है, तो फ्लेम को हम एकदम धीमा कर देते हैं और अब मैं इसमें ये काली मिर्च जो मैंने डाली पीस के रखी थी उसको डाल देते हैं। अब इसी को बहुत अच्छी से खुशबू भी आने लगी, तब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। धनिया होता तो बहुत मज़ा आता, आपके पास से तो ज़रूर डालिएगा। हम तो आज मार्केट जाएंगे तब लाएंगे, फिलहाल आज के लिए आपके लिए जो है इसमें से डालिए, नहीं है तो भी बिना उसके ही आप बनाइए और खा के देखिए, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, ज़रूर बनाएं और खाएं। पसंद आए तो प्लीज़ मुझे शेयर करके बताएं। थैंक यू दोस्तों, जय श्री हरी।